एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड्डा गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे मिलेगा वो पाएगी। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उसे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओह मेरे मित्र, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भर कर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। सीख, इससे पहली यह सीख मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अनजान से दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। दूसरे, मित्रता का सदैव सम्मान करें।